नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान में वैसे बीजेपी का नया सीएम बन गया है। राजस्थान में बीजेपी के रूप में नए सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा को ऐलान किया गया है। लेकिन भजनलाल शर्मा का ऐलान वसुंधरा राजे से जबरदस्ती क्यों करवाया गया है? उसके साथ साथ में जो वसुंधरा राजे हैं उनके समर्थकों से जबरदस्ती तालियां क्यों बजवाई गई हैं, इसकी पूरी अपडेट हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी का एक और उलटफेर होने वाला है। वसुंधरा राजे बगावत करेगी कि ये सारी अपडेट से मैं आपको यहाँ पे रूबरू करवाने वाला हूँ। क्योंकि जैसे वसुंधरा राजे से राजनाथ सिंह ने जबरदस्ती भजनलाल शर्मा का नाम पढ़वाया था तो उसे काफ़ी नाराज नज़र आ रही थी। और उस टाइम वसुंधरा राजे के समर्थक थे वो भी बहुत ही ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे थे। ऐसे ही हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी थे, उनका नाम को लेकर उनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे और भजनलाल जी का भी विरोध कर रहे हैं। गाइस, मैं बता दूं आपको कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिनको ये लग रहा है कि दिया कुमारी जी को भी डिप्टी सीएम का पद मिल चुका है, उनके बाद में भजनलाल जी को भी सीएम का पद मिल चुका है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई अच्छा मंत्री पद नहीं मिला तो वो उनके विधायकों के साथ में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर ले। गाइस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, आपने बहुत सी बार देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी का आखिरी तक यही बयान था कि जो पहले से सीएम बनता आ रहा है, जो पहले से ही गद्दी पे था, वही गद्दी पे होने वाला है, वही सीएम होने वाला है। और आखिरी मोमेंट में भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथ से करवाया। गाइस, बहुत ही ज़्यादा दिमागी तौर पे ये सारी की सारी चीज़ें हैं, एक लॉजिक वाइज सारी की सारी चीज़ें हैं, जिसमें जितने भी चेहरे पहले सामने आ रहे थे, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हो गए, बाबा बालकनाथ जी हो गए, दिया कुमारी जी हो गई, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो गए, इतने सारे चेहरे थे जो सीएम पद के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन उन सभी को हटाकर जो लाइन में तीसरी रो में खड़े हुए थे भजनलाल शर्मा जी, उनका नाम अनाउंस किया गया है। इसके पीछे और भी बड़ा कारण है। गाइस, मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो सकता है इस पार्टी में उलटफेर कर सकती है। उनके पास टोटल का 72 विधायक है, यानी 72 विधायक है, और अगर 72 विधायकों में से अगर वो 35 से 40 विधायक भी कांग्रेस पार्टी की तरफ लेके आ सकती है तो वो सीएम बन सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी और भी अपडेट हैं। तो गाइस, राजस्थान अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर बनिएगा। थैंक यू सो मच।